जल्दी मैं वो आके बताता हूँ। हर हर महादेव। हमारे लिए शिवरात्रि का जश्न तो तभी पूरा होगा जब हमारी तरसती आंखों को स्वर्ण से भी उज्जवल नागिन और चमकीली चांदी के परत में लिपटे नाग को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके मिलन की घड़ी है आज। महादेव, इन दोनों को किसी की नजर न लगे। शंकर, ये धुन तो विनाश का प्रतीक है। ये तो छुड़ैल के आने का संकेत है। पारों की शक्ति अब कम हो, उससे पहले मुझे उसे बचाना होगा। तुम यहीं रुकना, घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा।
छिपाओ और उसकी नागमणि को महफूज रखने के लिए उसे सुरक्षा चक्र में डालना होगा जहां उसे कोई ना देख सके। नागमणि नागमणि कहाँ छुपी हो नागमणि, झलक तो दिखाओ, जरा मेरे पास तो आओ। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मन मोहना मेरा काम, रूप से रानी कुरूप से चुड़ैल, मोहिनी मेरा नाम। इतने साल सब्र किया है, आज तो नागमणि लेकर ही रहूंगी। मोहिनी चली जाओ जहां से आई हो, वरना 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 ऐसी जगह भेजूंगा जहां से वापस लौट नहीं पाओगी। बंधन बंधन अंधा कर देता है, जैसे उस नागमणि के प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया है। सोचा था मेरा स्वागत वो नागिन करेगी, पर ये क्या, यहां तो ये नाग खड़ा है। कहां है वो? कहीं महफूज, ऐसी जगह जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। अब मैं उस तक नहीं जाऊंगी, बल्कि वो मेरे पास आएगी। भोले, ये कैसा डरावना सपना आता है हमको, वो भी आज शिवरात्रि के दिन। भोलेनाथ, आज के दिन तो हमें सपने में आका चेहरा दिखना चाहिए ना। फिर वो लड़का कौन है जो परसों से हमारे सपनों में आ रहा है? और ये बुड़बक सपना हमेशा इसी पॉइंट पर आकर टूट जाता है। आखिर ये राज क्या है? नहा धोकर बढ़िया लग रहे ना, है ना? हम तो ना उस सपने के कारण पसीने से तार तार हो गए थे। भोलेनाथ, हम मानते तो नहीं है, पर ये कोई पिछले जन्म का मैटर तो नहीं? हाँ, पिछला अगला और बाकी के सात जन्म का मैटर हमारे साथ जुड़ेगा पारो,
अरे नर्वसा क्यों रही हो? होने वाले पति हैं। पप्पी है तुम्हारे। अरे हमारा नाम है पप्पी और काम भी पप्पी। अपनी ब्यूटीफुल पैरों को सुबह शाम दे पप्पी। आह रे पप्पी, मुआ रे पप्पी। क्या हो गया? नो लाइक नो कमेंट। तुमको जाना है, हटो। अरे कहाँ जाना है? हमसे ब्याह करके इधर ही तो आना है। और ये ब्याह की चुन्नी तुम्हारे सर पे टिकाने का बस ढूंढे बहाना है। पप्पी, कितनी बार बोले हैं हमको ये ब्याह नहीं करना है, समझ में नहीं आता है तुमको? ये जबरदस्ती मत करो हमसे, बचपना बंद कर दो पप्पी, हम बता रहे हैं। तेरी? छोड़ो। अरे वही तो पारो, बच्चे नहीं है हम, इसलिए गुड्डे गुड़ियों का खेल खत्म। अब ये दूल्हा जबरी दुल्हनिया ले जाएगा, जरूरत पड़े तो बता रहे हैं। चलो पहनो से। पहनो। रांग, ये रांग है और पारो कभी रांग नहीं होने देती। हटो पप्पी, हमको ना चंदन की लकड़ियां लेकर शिव मंदिर जाना है, हमको परेशान मत करो तुम, जाने दो, हटो। जाओ ना पप्पी, ले ले, ले ले पप्पी। नहीं आ रही हमें, दूर हटो, दूर हटो। अरे पुलिया से कूदकर जान दे देगी, लेकिन तुम जैसे बुड़बक का हाथ कभी नहीं थामेगी पारो। देखो ये कलमुई की, इतना पाल पोस के बड़ा किए काहे, ये दिन देखने के लिए? मत मारी गई थी पप्पी के पापा की, जो मंदिर की सीढ़ियों से तुझे उठाकर यहाँ ले आए। हर निकाल कर सांप मर रहा था तेरे सर पर, तू ही डस लेता तो इतनी बड़ी पनौती हमारे सर ना आती। अरे पप्पी के पापा तो स्वर्ग चल गया और तुझे यहाँ छोड़ गए। कान खोल के सुन ले, बहू समझ के पाले हैं बेटी नहीं। बहुत ही खर्चा किया है तुझे पालने पोसने में, अब ना वसूली का टेम आ गया है। और ये जो अंग्रेजी में चबर चबर करती रहती है ना, उनकी पूड़िया बांध और मुंह पे दबाई ले। और इस साल हमार पप्पी बिटवा को अपना पति बनाई ले। मुझे की ना खड़ी कहा है, पीले अंदर जा और पहन कर चल दिया। अम्मा सुनो ना, अम्मा आज शिवरात्रि है ना, तो हम कहे थे भोलेनाथ से कि चंदन की लकड़ियां लेकर शिव मंदिर आएंगे, हम नहीं गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अम्मा। एक साल से हम भोलेनाथ के लिए ना चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, हमको जाने दो ना अम्मा। तेरा जैसा गंदा मिलावटी खून महादेव जी का पूजा करेगा? Okay.
सही किए हम। अगर ज्यादा उछली ना तो लकड़ियों की तरह तुझे भी स्वाहा कर दूंगी। चल अम्मा, अम्मा चल। पप्पी ही तेरा शिव है, इकी ही पूजा करेगी और इकी ही सेवा। अंदर रह और जल्दी से तैयार हो जा। भोलेनाथ, हम तो आपकी पूजा करने के लिए निकले थे ना, तो आप हमको ये लहंगा चुन्नी में फंसा दिए। जी जी, आज मुंह दिखाई में ना सब आपको देख के दंग रह जाएंगे। सच कहूं तो मुझे ना आपसे बड़ी जलन होती है। आप इतनी पुरानी है फिर भी इतनी सुंदर। पुरानी मतलब, पुरानी से मतलब है कि नायाब। नायाब है आप, सौ में से एक जीजी, मोहिनी जीजी। आपकी आंखें लोमड़ी जैसी पैनी, ये होंठ शिकार करती शेरनी जैसे खून से लबालब लाल, और ये कमर हाय दैया, टंक मारता ततैया। अरे जीजी मैं कहती हूँ आपके सामने तो चांद भी फीका पड़ जाता है। चांद से मुकाबला तो तेरा है रंभा, तेरे चेहरे पे दाग जो है। मेरा मुकाबला तो खुद से है, ये रूप, मेरी खूबसूरती, मेरा हुस्न, मेरे कल की जवानी मेरी कल की जवानी से भी जवान होती जा रही है। इंतजार तो सिर्फ उस नागमणि का है, मेरे बरसों की तमन्ना नागमणि पाने की जिस दिन पूरी होगी उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। मेरी दीदी को आंटी बोला। आंटी नहीं बोलना था, आंटी नहीं बोलना था। मोहिनी के जादू से कोई नहीं बच पाया। भोलेनाथ की, वो पप्पी हमारे करीब आ गया ना इस बार,
तो उसके खाने में धतूरा मिलाकर उसे दुनिया से चलता कर देंगे। हानि तो भोलेनाथ, हमको नहीं करना है उससे ब्याह, आप सुन रहे हैं ना? आज फिर उदास है हमरी पारो। खेतारी काका, आज फिर कोसा उस नंदा ने तुझे। अरे ना जाने कब इज्जत और प्यार देगी तुझ जैसी प्यारी बच्ची को। देती है ना काका, ढेर सारा देती है, इतना कि हमसे संभाले ही नहीं संभलता। अभी हम चलते हैं काका, हमें देरी हो रही है, शिव मंदिर जा रहे हैं पूजा के लिए, चलते हैं काका। ये तो कहीं से दूध की सुगंध आ रही है। देख के हमेशा खींची चली आती है तू। नहीं काका, देख के नहीं, केवल सूंघ के। वो क्या है ना काका, दूध पीना हमारी कमजोरी भी है और दूध कमजोरी को मिटाता भी है। लाइए दीजिए। ले। बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। वो हैप्पी बर्थडे। आप, आपको याद था काका? हाँ। काका आप तो इमोशनली कर दिए। आपको पता है किसी को याद ही नहीं था कि आज हमारा जन्मदिन है। कैसे भूल जाता बेटा, इस इंतजार में तो मेरे बाल पक गए। क्यों काका, क्या है आज के दिन? अरे बेटा तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस इतना जान ले कि आज के बाद तेरी जिंदगी पलटने वाली है। मतलब क्या है काका? मतलब... अरे बेटा तुझे पूजा के लिए देरी हो रही थी ना। हाँ वो हमें विश्वास है महादेव, वो आएगा, जरूर आएगा, आज ही के दिन आएगा। पारो का प्रेमी शंका, 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 शंका। ना हाथ लगाए इतना काहे कूट दिए भैये? शंकर, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ भयंकर। शंकर! देर से ही सही, पर क्या दुरुस्त आए हैं ये दोनों एक दूसरे के करीब। अब इन दोनों की ही नजदीकी मुझे लेकर जाएगी मेरी नागमणि के करीब। We'll be right back.
कहाँ देख रहा है बे? तुम्हारा गाड़ी है? और कह रहे हो बे? हाँ? मारेगा? अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। शिवशंकर। बिना छुए उतारेंगे। गांव में आपको कभी देखे नहीं है, नए हैं? नाम क्या है भैया आपका? शंकर। अच्छों के साथ अच्छा। और बुरों के साथ भयंकर। अरे भयंकर जिद्दी हो गई अब पारो। अरे ये मंदिर मंदिर छोड़ो, अब तो हमारी पूजा करनी है तुम्हें। छोड़ो पप्पी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? छोड़ो। वही तूफान आया है। इसका मतलब शंकर और उस इच्छाधारी नागिन का मिलन फिर से हुआ है। उस इच्छाधारी नाग और नागिन की सदियों पुरानी प्रेम कहानी का अंत करेगी ये मोहिनी, और वो नाग मणि हमेशा हमेशा के लिए हासिल करेगी। भोलेनाथ की जय हो। जय हो भोलेनाथ। अधूरी प्रेम कहानी फिर से लिखी जा रही है। अब की बार मिले तो इन दोनों को पिछड़ने न देना भोलेनाथ। शंकर अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ भयंकर। शंकर! देर से ही सही, पर क्या दुरुस्त आए हैं ये दोनों एक दूसरे के करीब। अब इन दोनों की ही नजदीकी मुझे लेकर जाएगी मेरी नागमणि के करीब।